अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बना रही हूँ वाइट कढ़ाई। वाइट कढ़ाई कैसे बनती है, मैंने स्टार्ट तो कर ली है मगर मैं भूल गई, तो मैंने शूट करना था। तो चलें मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या कर लिया है। ये 1 किलो चिकन है, 3 अदद प्याज हैं, ठीक है, और 1.5 चम्मच जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो मैं पहले डाल चुकी थी, मुझे याद नहीं रहा, तो इसलिए मैंने कहा मैंने वीडियो बनानी याद नहीं रही, मैंने जल्दी से क्या फ़ोन लेके मैंने कहा जल्दी से बनाती हूँ वीडियो। तो ये चीज़ें हैं, क्या है, प्याज, लहसुन अदरक और चिकन, और 1/2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, और इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, और धनिया पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच, ठीक है। ये मैंने चीज़ें डाल दी हैं, तो इसको मैं अब ढक देती हूँ, अब इसको बॉयल आएगा, इसी में ये पक जाएगा। इसके अलावा इसमें है दही है, मलाई है, और अदरक और ये हरी मिर्ची हैं, ठीक है। देखें ये सारा जो है ना प्याज सारा ये घुल गया है, ये प्याज सारा घुल गया, ये देखें सारा प्याज जो है ना वो यूँ घुल गया, गल भी गया, घुल भी गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, ऑयल डालूँगी मैं तकरीबन 1 कप ऑयल डाल के, तो फिर इसको मैं मज़ीद भूनूँगी। ऑयल डाला है मैंने 1 कप, इसको मैं अब भून लेती हूँ, ऑयल डाल के इसको भूनूँगी और साथ ही मसाले डाल दूँगी। मसालों में है ये काली मिर्च पिसी 1 चम्मच, और जो है ये चाट मसाला 1 चम्मच, इनको भी मैं साथ ही डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी और इसी में भून लेंगे इसको अच्छे से, ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए ये मेरा ये जो है जो मैंने डाला है मसाला वगैरह डाला है वो भून गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, दही मेरी तकरीबन प्याली है, इसको भून लूँगी तो फिर मैं क्रीम डालूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स करके और फिर इसको मैं थोड़ा सा भून। ये देखें इसने भी ऑयल निकाल दिया, ये भी भून गया तकरीबन मेरा मसाला। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, अब इसमें मैं डाल रही हूँ क्रीम डाल रही हूँ इसमें। ये भी मेरा मसाला जो है ना हो गया, ये है क्रीम, तो ये मैं डालूँगी 1/2 क्रीम डालूँगी बस। इसको मिक्स कर लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। डाली है मैंने, और इसके साथ ही मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूँगी, हरी मिर्चें और अदरक, बस ये डन हो गया है। इसको मैं ढक देती हूँ। तो वाइट कढ़ाई मेरी रेडी हो गई है। मेरे जो देखने वाले जहाँ जहाँ से भी वॉच कर रहे हैं मुझे, उन सबको भी अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में।